राजधानी दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक कलयुगी मां की अपने 8 महीने के बेटे की बलि चढ़ाने का मामला सामने आ रहा है। मां ने तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिला के पति का आरोप है कि 4 साल पहले भी महिला 2 महीने के बेटे की हत्या कर चुकी है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुट गयी। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में कांग्रेस ने आज सिविल लाइन डीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। इस दौरान कांग्रेस और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुरानी सब्जी मंडी और सफाई कर्मचारियों को हटाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 55 साल की महिला पर एक शख्स ने उन्हीं के घर में चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। घटना के बाद आरोपी को ढूंढते ढूंढते जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां का मंजर कुछ और ही था। आरोपी ने पंखे से लटक कर जान दे दी। अब फिलहाल पुलिस सुसाइड के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 35 साल के शख्स ने 3 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश की है। ये सनसनीखेज मामला है साउथ ईस्ट दिल्ली के सरिता विहार स्थित अली विहार का, जहां पर एक 35 साल के शख्स ने 3 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर मासूम की बुआ मौके पर पहुंच गई और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र के रूबास गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घायल 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। उत्तरी दिल्ली के भलसवा इलाके में चला एमसीडी का बुलडोजर। लोगों का कहना है कि 20 से 25 मकानों पर बुलडोजर चलाकर किया जमींदोज, जिसके चलते सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं लोगों ने एमसीडी पर बिना नोटिस दिए मकान को तोड़ने का आरोप लगाया है।